Hey everyone, this is Shubham Mishra again. So in this video, इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हम एक टॉपिक को लेकर आएंगे. मैं एक टॉपिक को कवर करूंगा इस वीडियो में, जिसमें हम जो ऑल द एग्जामिनेशन में आते हैं, ऑल द एग्जामिनेशन का कहने सेंस ही है ये BHU के BA, MA, राइट, BHU BA आर्ट्स, BHU BA सोशल साइंस, BCOM, ठीक है, BCOM में भी आता है. ये ट्रेंड देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, राइट. सो वो BA, BCOM, BA आर्ट्स, BA सोशल दोनों में आते हैं. इवन दो समटाइम्स कहने का सेंस ये है कि GK सेक्शन जिस भी एग्जामिनेशन में आता है, जिस BHU के जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में GK का सेक्शन आता है, लाइक जहाँ तक मुझे पता है लाइब्रेरी साइंस के एग्जामिनेशन में आता है, मास कम्युनिकेशन के एग्जाम में आता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के एग्जामिनेशन में आता है, MBA के एग्जामिनेशन में आता है, राइट, ठीक है, और MCOM के एग्जाम में भी आता है, BCOM के एग्जाम में भी आता है, इवन दो टूर एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के एग्जाम में आता है, राइट, जियोग्राफी के एग्जामिनेशन में भी समटाइम्स GK आता है. तो ऐसे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. आई होप कि आपको ये बातें सारी क्लियर है. तो चलिए शुरू करते हैं. आपका एक टॉपिक को इस वीडियो में मैं कवर करूँगा. इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियो का कंपाइलेशन लेके आऊँगा, जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में, जो 2019 में होने वाला एग्जामिनेशन, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आपको हमारे बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन हैं. हम आपके शुभम कुमार मिश्रा हैं. हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री विद आर्कियोलॉजी से. मैं किसका स्टूडेंट था, मैं BHU BA आर्ट्स का स्टूडेंट था. मैंने मास कम्युनिकेशन MBA, MCA, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जामिनेशन जो BHU कंडक्ट करवाता है, मैंने उसको क्या किया, क्रैक किया है, ठीक है. राइट नाउ आई एम परसुइंग मास्टर इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है. मैंने CDSU एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, ठीक है. मैं अनअकैडमी पे ट्यूटर हूँ और मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त यूट्यूब पे भी हूँ, ठीक है. तो पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में एक सरप्राइज है, राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक बात करते हैं. खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स जो इंडिया में होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी समटाइम्स ये हेक्टिक हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है कि इन चीज़ को कैसे याद करें, ठीक है. तो खरीफ के बारे में पहली बार देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एग्जामिनेशन में ये ट्रेंड देखा गया है कि हर एग्जामिनेशन में जिसमें GK होता है पूछ लेता है. तो पहला टॉपिक है खरीफ फसल, ठीक है. खरीफ के बारे में देखते हैं, ये समर क्रॉप है. समर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो समर में बोया जाता है, या फिर मानसून क्रॉप है, यानी जो मानसून के टाइम में इसका शोन किया जाता है, इसको बोया जाता है, ठीक है. यूजुअली शोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन द जुलाई के ऑलमोस्ट, यानी जून के लास्ट, जुलाई के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक क्या हो जाता है, भारत में रेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो ये उस समय क्या किया जाता है, बोया जाता है, ठीक है. इसमें मुख्यतः आते हैं बाजरा, ज्वार, मिलेट्स कहते हैं उसको, आप याद रखना, मिलेट्स कहते हैं, बाजरा, ज्वार आता है, कॉटन आता है, रुई कहते हैं, सोयाबीन आता है, ठीक है, शुगर केन यानी गन्ना आता है, टर्मरिक यानी हल्दी भी आती है इसमें, पैडी, राइस आती है, मेज, ठीक है, मेज यानी मक्का, राइट, मक्का आता है, मूंग यानी दाल आती हैं, ठीक है. ग्राउंड नट्स क्या होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं तुम्हारे, मतलब आपके मूँगफली, रेड चिली, लाल मिर्ची आती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं. आगे बढ़ते हैं, रबी की फसल पे आते हैं. रबी का जो फसल होता है राइट, ये विंटर क्रॉप्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, विंटर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, या स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं. विंटर क्रॉप्स और स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं, क्योंकि विंटर में बोया जाता है और स्प्रिंग यानी बसंत आते आते क्या करते हैं, हम लोग उसको कट कर लेते हैं, यानी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं. ये अक्टूबर के लास्ट में बोया जाता है, यानी ये वीडियो में नवंबर में, दिसंबर में क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये बो दिया गया होगा. इसमें से कौन कौन चीज़ आती हैं, राइट, मार्च, ये, और कब ये काटा जाता है, अप्रैल और मार्च के आसपास काट दिया जाता है. इसमें क्या आता है, गेहूं आता है, बार्ली आती है, मस्टर्ड आता है, मस्टर्ड मतलब समझ रहे हो ना आप, सरसों, राइट, सीसम आता है, पीस आता है. इस समय हम आलू की भी खेती करते हैं, आलू भी आता है, पर आलू अदर टाइम्स में भी कुछ कुछ इलाकों में हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए शायद इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. तो जायद क्रॉप्स के बारे में देखते हैं, जायद क्या होता है, येस इन सम पार्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग मार्च टू जून, यानी जो टाइम बचता है मार्च से जून के बीच, उस टाइम क्या किया जाता है, इसको बोया जाता है, ठीक है, मार्च और जून के बीच इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है, ठीक है. इसमें प्रोमिनेंट फसल्स में क्या है, आपके मस्क मेलन है, क्या है, आपके मस्क मेलन है, राइट, मस्क मेलन है, ठीक है. इसमें वाटर मेलन भी आता है, राइट, मस्क मेलन, वाटर मेलन,
वेजिटेबल्स यानी सब्जियां आती हैं। इसमें सब्जियां आप देखोगे सस्ते होंगे और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मात्रा में आपको मिल जाएंगे, पालक यू नो बैगन लाइक दैट ओके, मूली गाजर समथिंग, आलू भी मिल जाते हैं राइट, प्रोमिनेंट होती है तो उस समय हो जा मिल जाता है ठीक है, उस समय आपको मिल जाता है, सब्जियां मिल जाती हैं, वाटर मेलन मिल जाता है, मस्क मेलन। और जब बरसात आता है तो सब्जियां में मिलना कम हो जाती है क्योंकि बरसात होने की वजह से क्या होता है सब्जियां सड़ने लगती हैं राइट। और सब एंड कुकर मिट कुकर बिटाई फैमिली से जो भी पैदा हो सके, कुकर बिटाई फैमिली मतलब इस टाइप के फैमिली, इस टाइप के जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है उनकी उनकी फैमिली को क्यूकर बिटाई के बिटाई की फैमिली कहते हैं ठीक है। और जैसे इसमें इसमें करेला भी आ जाता है राइट, पम्पकिन आ जाता है ठीक है, और इसमें पम्पकिन आ जाता है, ग्रिट्स गार्ड आ जाता है, ग्रिट्स गार्ड मतलब क्या होता है नेनुआ कहते हैं इसको ठीक है, ग्रिट्स गार्ड मतलब नेनुआ कहते हैं इसको, और बिटर गार्ड को क्या कहते हैं करेला राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं राइट। आपको आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें कैश क्रॉप को देखेंगे, कैश क्रॉप ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर एग्जामिनेशन में पूछ लेता है ठीक है, हर एग्जामिनेशन में कैश क्रॉप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने जितने भी आप मॉडल्स पेपर सॉल्व करोगे उसमें आपको क्रॉप कैश क्रॉप से एक क्वेश्चन यू विल फाइंड देयर ठीक है। इंडिया शुगर केन प्रोड्यूस करता है, शुगर प्रोडक्शन होता है ठीक है। आप ये बंबू फैमिली से बिलोंग करता है, आपको क्या क्या नोट्स करना है मैं बता दे रहा हूँ। ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स कब से कब पैदा होता है, कब से कब बोया जाता है, ये समर क्रॉप होता है, फिर जुलाई के पहले वीक में आप इसको बो सकते हैं ठीक है। आगे चलते हैं, कॉटन होता है, इसमें कॉटन मुख्य मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है इंडिया का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है ठीक है। ये सब सब्जियों में हो या किया जाता है, सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है, कॉटन सीड का और वेजिटेबल सॉइल इससे क्रिएट किया जाता है ठीक है। ये खरीफ क्रॉप्स है और ये मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में होता है और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है मतलब ट्रॉपिकल्स मतलब जहाँ पे गर्मी और बरसात का मिक्सचर होता है ठीक है। कॉटन रिक्वायर्स मॉडर्नस्ट रेनफॉल इन इंडिया एंड इन इंडिया ठीक है, ये इसमें जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पे कॉटन का वो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है। आगे चलते हैं, ग्राउंडनट्स कैश क्रॉप है राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड ऑफ इंडिया है, इसमें चाय आता है, चाय में क्या है ये इंडिया सब लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका, ब्लैक टी, और ब्लैक टी का कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है मतलब प्रोड्यूस करता है बनाता है यानी उसको पैदा करता है और उसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूजर है ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या सारे चाय पीते हैं राइट। 16 स्टेट्स हैं इसमें, 16 स्टेट्स में ये पैदा होता है, इसमें असम मुख्यतः 90-95% की जो इसमें जो फसल होती है चाय की वो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला ठीक है, ये इन सब राज्यों में होती है। कॉफ़ी देख लेते, ये इसमें ये हीट हॉट और ह्यूमिड यानी आर्द्रता भरे, गर्म और आर्द्रता भरे क्या होता है मौसम में ये होता है, इसको अराउंड 15-28 डिग्री सेल्सियस की तापमान चाहिए ठीक है। ये अंडर सेडेड ट्री में होता है वरना डायरेक्ट धूप लगेंगे क्या हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रॉय, मेनली ये कर्नाटका ठीक है, केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे तो साउथ इंडिया में मोस्टली चाय और कॉफ़ीज पाई जाती हैं ठीक है, बट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी चाय और असम चाय की और कॉफ़ी की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती कम होती है बट चाय की खेती ज़्यादा होती है, असम वेस्ट बंगाल इज प्रोमिनेंट ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें फसल से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी ठीक है। इसको डन करने का मैं शॉर्ट ट्रिक अगले वीडियो में लेके आऊँगा, आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है सिर्फ राइट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल लव टू सॉल्व देम आउट ठीक है, मुझे खुशी होगी उन्हें सॉल्व करने में। तो मैं शुभम मिश्रा आपके सामने सरप्राइज ये है कि अगर आप मुझसे कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए या फिर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं फ़ोन पे वीडियो कॉल के थ्रू आपकी चॉइस के हिसाब से, तो आप मुझे पेटीएम, गूगल पे या फिर भीम से पे कर सकते हैं, यानी 20 रुपीस होगा और जो आपको 10 मिनट के लिए आप मुझसे बातें कर सकते हैं राइट। 10 मिनट में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। सो डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको पहले प्रोसेस तो बता दिया, आपको 20 रुपीज़ हैव टू पे 20 रुपीज़, आपको 20 रुपये हमको देना होगा। तो आपको आप कैसे पे करोगे आप मेरी, ये मेरा UPI ID है राइट, ये मेरी UPI ID है राइट, जिसके थ्रू आप मुझे पे कर सकते हो डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करके, गूगल पे, भीम या फिर क्या कहते हैं उसको फ़ोनपे के थ्रू। अगर आप पेटीएम यूज करते हो आप मुझे पेटीएम के थ्रू आप मुझे पे कर सकते हो। क्या करना होगा, सीधा आप एप्लीकेशन को ओपन करिए, मेरे QR कोड को
स्कैन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे आप कन्वीनियंट हो, राइट। और मैं अपने UPI ID कमेंट सेक्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं लिख दूंगा। और आप प्लीज़ मेरे प्रोफाइल को फॉलो करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करिए और मुझे फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। और जितना हो सके आप कमेंट करिए ताकि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं संडे को 5 से 10 मिनट के लिए ऑनलाइन आऊँगा और आपके सारे क्वेश्चंस को टैकल करूँगा, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग वहाँ पे होंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर आस्क एज मच एज क्वेश्चन यू वांट एंड स्टडी हार्ड, ओके। यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल इफ़ यू वांट टू बी द स्टूडेंट ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अपने लेवल को इंक्रीज करिए प्लीज़। सो मेरी तरफ से ये इतना ही। आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मैं अपने टाइम टेबल अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और अब परेशान मत रहिएगा, मैं मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा संडे को, ओके। सो टिल देन मैं शुभम मिश्रा साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। प्रॉमिस यू आई विल बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, कीप लर्निंग। भारत माता की जय। और फेक न्यूज से बचते रहिए।